पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण इन जिलों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल फतेहपुर का भी है, जहां के मलवा और देवमई ब्लॉक के कई गांवों में गंगा और पांडु नदी का पानी घुस गया। इन इलाकों में लगातार पानी बढ़ने से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई तो वहीं गांव को जाने वाले रास्ते भी पानी में डूब गए। रास्ते में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को अपने गांव पहुंचने के लिए लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। और गंगा के कटान में यहाँ सब हम लोग की फसलें जा रही हैं और धारा बहुत कट रही हैं। आपके गांव के सामने गंगा जी की क्या स्थिति है? कटान चालू है, हम लोग के हजारों बीघा खेती है, वहाँ पर सब कटी में जा रहे हैं। तिली है, धान है, परवल है, लौकी है, कदुआ है, ये सब कट रही हैं। बाढ़ में यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये जो पांडो नदी में रिंग बांध बंधा है, पिछले साल बंधा था, गंगा की बाढ़ की वजह से और नदी की कटान की वजह से ये 90% यानी 90% बह चुका है। और इस समय गांव गंगा नदी और पांडू नदी गांव को चारों तरफ से घेरे हुए है और हम लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। 22 किलोमीटर डोमनपुर से सिकटिया होते हुए जो कानपुर पड़ता है और अपने मूल मजरे आशापुर में आने के लिए 22 किलोमीटर रास्ता सफ़र करना पड़ता है, जिसमें 2 किलोमीटर अब भी पानी से रास्ता जलमग्न है और खेतों से जाके गुजरना पड़ता है। उधर लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ के कारण जिले के लगभग 300 गांव प्रभावित हुए, जबकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित गांव में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कब से बाढ़ आपको परेशान कर रही है? क्या नाम है आपका? राम। क्या दिक्कतें हैं, कब से बाढ़ आई है यहाँ पर? बाढ़ सर बहुत दिन से आ रही है, सन 85 से आ रही है और बाकी बहुत परेशानी हम लोगों के यहाँ पर रहने में है। कोई रास्ता सब नहीं हम लोगों के यहाँ पर है आने जाने के लिए। अब बहुत परेशानी रहा है, जो बच्चे मान लो तनकर चूक गए नदी के, बहुत लड़के इसमें बूट चुके सर हैं, लेकिन क्या किया जाए। जब रहना घरों में पानी भर जाता है, घर में पानी भर गया सर, तो कैसे आप लोग जाते हैं यहाँ से? अब यहाँ से नांदा मिला कोई तो बंधा पर हम लोग गए, और नहीं मिला तो ऐसे ही मान लो वहीं में रहते हैं। कोई प्रशासन का आदमी आपके बीच आया? कोई नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं सर, मदद कोई मिली आपको? मदद और ये राशन वासन मिल जाते सर हर साल। और आप लोग की तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है? देखिए, वर्तमान में शारदा, घाघरा, मोहाना, कौड़ियाला जितनी भी हमारी नदियां हैं मेन में, सबके वाटर लेवल इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण है, एक तो नेपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, इसके अलावा उत्तराखंड में बारिश हो रही है। नेपाल की बारिश से हमारे घाघरा रिवर का वाटर लेवल बढ़ रहा है, उससे लगी जो नदियाँ हैं, ऐसे ही जो उत्तराखंड में है उससे शारदा नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। जैसा ऊपर से इस्टीमेशंस आए हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों में वाटर लेवल घटेगा। फिलहाल हमारे लगभग 300 गांव आज की डेट में प्रभावित हैं, जिसमें 20 गांव ऐसे हैं जो मैरून हो चुके हैं, लेकिन जो मैरून गांव हैं वहां के लोगों के लिए राशन किट और अन्य जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, उनके पशुओं के चिकित्सा आदि की व्यवस्था पूरी तरह से किया जा रहा है। जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और हमारे अधिकारी निरंतर भ्रमणशील हैं। जहाँ कहीं कटान की स्थिति आती है नदियों के, वहाँ पे हमारी जो बाढ़ खंड की टीम है वो लगातार दिन रात काम कर रही है और अभी तक कटान के कारण कोई नुकसान की, नदियों कटान के कारण कोई नुकसान की विशेष घटना जनपद में नहीं हुई है, लेकिन अभी हम लोगों को और अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन लगातार बढ़ते जलस्तर पर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही लोगों से नदी के पास नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और लखीमपुर से शारिक खान की रिपोर्ट।